दोस्तों रियलमी ने रिसेंटली में दो स्मार्टफोन को लॉन्च किया था, रियलमी 6 और रियलमी 6 प्रो, और इनकी प्राइस ओवर होने की वजह से लोग इससे पीछे हट रहे हैं। ऐसे में दोस्तों Xiaomi को मौका मिल चुका है रियलमी 6 प्रो को बीट करने का, और दोस्तों Redmi Note 9 सीरीज के लिए लोग काफी ज्यादा बेसब्री से वेट कर रहे हैं। एक्चुअली दोस्तों Redmi Note 9 सीरीज के अंदर आपको 3 स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे, Redmi Note 9, Redmi Note 9 प्रो और Redmi Note 9 प्रो मैक्स, और इनमें से Redmi Note 9 प्रो और Redmi Note 9 प्रो मैक्स के लिए लोग सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे Redmi Note 9 Pro और Redmi Note 9 Pro Max के बीच में, और जानेंगे इनके फीचर्स और परफॉर्मेंस में कितना डिफरेंस देखने को मिलेगा, और दोस्तों इनकी प्राइस में आपको कितना डिफरेंस देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए एंड तक, और इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इनकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से, तो इन दोनों के अंदर आपको सेम डिजाइन देखने को मिलने वाला है। इनके अंदर आपको ग्लास बैक देखने को मिलेगा जो कि ग्लॉसी ग्रेडिएंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है, और इसी के साथ आपको क्वाड कैमरा सेटअप भी मिलेगा, और नीचे की तरफ आपको 3.5mm ऑडियो जैक एंड टाइप सी पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। और अब बात करते हैं इनकी डिस्प्ले के बारे में, तो इन दोनों ही डिवाइसेस के अंदर आपको सेम डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है। इनके अंदर आपको 6.6 इंच का फुल HD प्लस एक IPS LCD डिस्प्ले पैनल देखने को मिलेगा जो कि फुल रेजुलेशन के साथ आएगा, जहां पर आपको डुअल पंच होल कटआउट देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों दोनों ही स्मार्टफोन के अंदर आपको 90Hz या फिर 120Hz का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले पैनल देखने को मिलने वाला है, और इन दोनों के अंदर आपको IPS LCD पैनल देखने को मिलेगा, सुपर एमुलेट पैनल देखने को नहीं मिलेगा। और अब बात करते हैं इनके प्रोसेसर के बारे में, तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का SoC देखने को मिलेगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों मनु कुमार जैन ने अभी ट्विटर पर एक ट्वीट किया है, जिससे कि दोस्तों ये कंफर्म हो जाता है कि Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 720G का SoC देखने को मिलेगा। और वहीं पर अगर बात की जाए Redmi Note 9 Pro Max की, तो दोस्तों रिपोर्ट की माने तो इसके अंदर आपको MediaTek Dimensity 800 का SoC देखने को मिल सकता है, या फिर Qualcomm Snapdragon 765G का SoC देखने को मिल सकता है, और ये दोनों ही चिपसेट बराबर हैं क्योंकि इनके अंदर आपको 5G कनेक्टिविटी का सपोर्ट देखने को मिलता है। बट लोगों का यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूज ये है कि एक्चुअली इसमें मिलेगा कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि चाइना के अंदर आपको MediaTek Dimensity 800 का SoC देखने को मिलेगा, वहीं पर इंडिया के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 765G का SoC देखने को मिलेगा। और बात की है इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इन दोनों के अंदर आपको Android 10 का सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि MIUI 11 पर रन करेगा। और अब बात करते हैं इनके कैमराज के बारे में, तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको 64MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलने वाला है, वहीं पर Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको 108MP का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा। बाकी का इन दोनों के अंदर आपको एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, टेलीपोटो और डेप्थ सेंसिंग सेंसर देखने को मिलने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों फ्रंट साइड में आपको सेल्फी के लिए Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको 20MP प्लस 8MP दो कैमरा लेंसेस का यूज किया गया है, वहीं पर Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको 32MP का मेन सेंसर एंड 8MP का एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस देखने को मिलने वाला है। और वहीं पर अगर बात की जाए इनकी बैटरी के बारे में, तो दोस्तों दोनों स्मार्टफोन के अंदर आपको 4500mAh की बैटरी देखने को मिलेगी, बट Redmi Note 9 Pro के अंदर आपको 27W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, वहीं पर Redmi Note 9 Pro Max के अंदर आपको 30W का सुपर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और इन दोनों के बॉक्स के अंदर आपको सुपर फास्ट चार्जर भी मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग के बारे में, तो दोस्तों Redmi Note 9 Pro की प्राइस होगी अराउंड 14,000 rupees, वहीं पर Redmi Note 9 Pro Max की होगी अराउंड 18,000 rupees। तो दोस्तों ये था Redmi Note 9 Pro एंड Redmi Note 9 Pro Max के बीच कंपैरिजन। बाकी का दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन दोनों में से सबसे ज्यादा बेटर स्मार्टफोन कौन सा लगा, और आप इन दोनों में से सबसे ज्यादा एक्साइटेड किस स्मार्टफोन के लिए हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो होप करता हूँ कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।